नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉफ। दोस्तों आज मैं लोकल मार्केट से कुछ प्लांट्स खरीद के लाया जो कि आपके सामने देख रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि कौन सा प्लांट और किस रेट में मुझे मिला। उससे पहले जो है मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉफ उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं बता देता हूँ इनका क्या रेट है और कौन सा प्लांट है, और उसके बाद जो है इसको मैं प्लांटेशन करूँगा और इसके बारे में आगे की जो केयर है प्लांटेशन के बाद वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पहला जो है देख रहे हैं आप एरेका पाम। तो एरेका पाम जो है मैंने दो लिया है, दो एरेका पाम का जो है 150 रुपया मुझे मिला है, 150 रुपया में दो मिला है। देन ये जो देख रहे हैं आप ये इक्सरा है, ये ड्रॉप वैरायटी का है, ड्रॉप वैरायटी का है जो कि बहुत ही सस्ता में मुझे मिला है, 80 रुपया का जो है एक ये मिला है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों ये देख रहे हैं, ये जो पैलामंडा जो आप देख रहे हैं ये भी ड्रॉप वैरायटी का है, तो इसका जो कीमत है वो दोस्तों 110 रुपया मुझे पड़ा है। तो दोस्तों ये सारा जो प्लांट लोकल मार्केट से मैंने लिया है, और चलिए इसको मैं एक एक करके प्लांटेशन कर लूँगा। इसके प्लांटेशन के बाद कैसे केयर करना है उसके ऊपर मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए ये जो है मैंने प्लांटेशन कर लिया। दोस्तों ये दो जो है एरेका पाम है ये आपको इंडोर में मतलब ये ग्रो होता है, और पार्शियल शेडी एरिया में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको जो है ये साड़े के लिए जो है वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, सॉइल एक पार्ट, देन कंपोस्ट एक पार्ट, और जो सैंड जो है एक पार्ट मिला के इसको मैंने पॉटिंग सॉइल जो है पहले तैयार किया था। तो दोस्तों इसके साथ आप उसमें थोड़ा सा नीमखली और फंगिसाइड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको इंडोर में भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे ब्राइट लाइट हो वहाँ आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और जो पानी है ये ऊपर का सॉइल जो है सूखने के बाद ही आप इसको पानी देंगे। सॉइल ये जो है वेल ड्रेन्ड होना चाहिए सभी के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं ये एलामंडा, ये जो बहुत ही अच्छा मतलब ड्वार्फ वैरायटी का है, ये छोटा मतलब क्या ना पॉट में ग्रो करने वाला छोटा छोटा ही रहता है ये, तो मेरे पास और एक भी है। आप इसको वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एलामंडा है ये कम मोटर से इसको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसमें जो ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो ये पौधा जो है ये मर सकता है। ओवर वाटरिंग इस बिल्कुल ही मतलब ये सहन नहीं कर पाता, तो ये जो है बिल्कुल ये सन लवर है, इसमें आप धूप में इसको जितने रखेंगे उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ये जो इक्सरा आप देख रहे हैं ये भी ड्रॉप वैरायटी का है, तो ये मतलब आप इसको वेल्डेड सॉइल में और इसको आउटडोर जो है आप इसको ग्रो करें। आउटडोर में ये मतलब क्या ना फुल सन में अच्छी तरह इसका जो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें बड्स भी आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक फ्लावरिंग प्लांट्स है, आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो आप इसको सारे के लिए जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आप इसको इस्तेमाल करें, जैसे बर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्यू, देन नीम खली, ये सारा जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे आप सारे के लिए जो है मस्टर्ड केक को भिगो के उसका जो पानी में डाइल्यूट करके उसको आप दे सकते हैं। तो वो महीना में जो है कम से कम एक बार जो है आप इसको थोड़ा सा फीड कर दीजिए, जैसे अभी जो है बरसात के सीज़न में आप इसको मतलब कहना फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो बरसात के ख़त्म होने के बाद आप इसको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों सारे ये जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा, दो जो है फ्लावरिंग प्लांट्स है, और ये जो इंडोर प्लांट्स ये भी मतलब एयर प्योरीफायर है और इंडोर में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं वाटरिंग कर देता हूँ, पहले दोनों एरेका पाम जो है इसको वाटरिंग कर दिया, दूसरा ये भी। और ये जो एलामंडा है इसको भी बहुत ही हल्का मतलब वाटरिंग करना है, इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है। तो ये मिट्टी ऐसे ही मतलब इसमें मॉइस्चर है और बरसात के कारण जो है गीला है,
तो इतना ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा वाटरिंग हो जाएगा तो ये जो पौधे का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको अच्छा लगा, मैंने जो आज का प्लांटेशन किया। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।